हेलो एंड वेलकम गाइस मैं अभिषेक एंड टुडे दिस इज द टॉपिक स्वेज कैनाल ठीक है स्वेज कैनाल ये कई बार आपको मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी में क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं तो प्री के प्रस्पेक्टिव से आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक को सुएज कनाल रिसेंटली ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का एक रूट है और इस रूट पे क्वेश्चन यूपीएससी के फ्रेम होते हैं ठीक है यूपीएससी में आपने देखा होगा कई बार अब जब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये क्वेश्चंस मैप बेस्ड होते हैं एक बार इसराइल पूछ लिया एक बार आपको अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर पूछ लिया एक बार चाइना का बॉर्डर पूछ लिया ठीक है एक ट्रेजिडी कहीं हो गई तो न्यूज पेपर में आपको एक थोड़ा सा शार्प एक फोकस बना के रखना होता है तभी आप इसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है तो आपके लिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना उसके बाद आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना जरूर क्वेश्चंस भी मैंने अब लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए तो इससे क्या होगा कि आप जो बेसिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ठीक है उस अंडरस्टैंडिंग को आप, आप अपने इस क्वेश्चंस में आप अपना लगा पाओगे कि क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं कैसे यूपीएससी ये पूछ रहा है तो थोड़ा सा हमें ज्यादा नहीं बस फाइव परसेंट कम से कम अपनी स्ट्रेटी को चेंज करना होगा ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं स्वेज कनाल देखो ये स्वेज कैनाल यहां पे, से लेकर ये है स्वेज कनाल यहां पे पोर्ट सईद है ये स्वेज है ये तीन पॉइंट्स याद रखना कुछ यूपीएससी के लिए बॉर्डर शेयर वगैरह कहाँ पे है कौन से एरिया में पड़ता है ठीक है ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है अब फैक्चुअल थोड़ा सा 5 आपको फैक्चुअल पे जाना होगा जो कि यूपीएससी ऑप्शन से पहले क्या होता था 2023 से पहले यूपीएससी क्या करती थी कि हम ऑप्शन से उसको निकाल लेते थे बट अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है अभी भी देर आर सम स्कोप बट ठीक है चलिए तो रिसेंटली अ टैंकर जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑल डाउन ठीक है क्रूड ऑयल जो है ये यह यहाँ पे सिंगल लेन पे था ब्रेक ब्रेकडाउन हुआ सो ट्रैफिक जो है पूरा ये डिस्टर्ब हुआ इसको लेकर ये थोड़ा करंट में न्यूज में था ठीक है सो चलिए आप हमारे हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए आपको नए नए अपडेट्स यहीं मिलते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं क्वेश्चन आपको एवरीडे मिलेंगे पर डे आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो दस पंद्रह क्वेश्चन एक बार में प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप डेली डेली प्रैक्टिस करते चले जाओ तो उससे होगा क्या होगा ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा 365 डेज आप अगर आप ऐसे देखो कि पर डे मिल रहा है तो थ्री सिक्सटी फाइव डेढ़ साल का आपको करंट अफेयर को कवर करना है तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाता है आप एंड uh, इट्स uh, हो जाएगा तो सेवन फिफ्टी क्वेश्चन अगर आपको करंट अफेयर में मिल रहे हैं वो भी मैं जो दे रहा हूं ठीक है तो यूपीएससी को ध्यान में रखकर बहुत सारा आपको हेक्टिक नहीं मिलेगा इसमें चलिए तो रिलेवेंस कहां पे है रिलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेश जी एस टू का टॉपिक होगा हमारा स्वेज इसका हिस्ट्री क्या है वॉट्स द हिस्ट्री ऑफ स्वेज कैनाल एंड सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के परस्पेक्टिव से हम उसे देखेंगे भी चलिए तो स्वेज कैनाल जो है इट्स अ वाइटल इंटरनेशनल शिपिंग रूट है ये बेसिकली ठीक है कहां पे है ये है आपका फोर्थ साइड विच आई मैंशन बिफोर फोर्थ साइड मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी ठीक है और इंडियन ओशन ये आपका गल्फ ऑफ देखो स्वेज है ये इसके इस तरफ यानी आप राइट हैंड साइड में अगर आप जाके देखोगे इस तरफ राइट हैंड साइड में ये स्वेज कनाल है राइट हैंड साइड में आपको इंडियन ओशन मिलेगा इंडियन ओशन बॉर्डर एरिया का जो जो शेयरिंग है कि किसके बॉर्डर्स में है कौन कौन से कंट्री है ठीक है ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता पहले था बट अब फिर से 2010 से पहले था आप लोगों के लिए ये अलग होगा बट हमारे टाइम में ये हम ऐसे ही पढ़ते थे इसको ठीक है चलिए सो इट्स अलाउ अब वैसल ये ट्रेवल बिटवीन द यूरोप एंड एशिया विदाउट नीड टू नेविगेट अराउंड द एफ्रिकन कंटिनेंट अब देखो ये अफ्रीकन कंट्री है चलो इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं चलो ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा ये इंडिया है ये अफ्रीका है ये यूरोप है इट्स अ पार्ट ऑफ ये यूरोपियन कंट्री ठीक है ऑस्ट्रेलिया सदर अमेरिका तो, तो स्वेज कनाल कहां पे है यहां पे है। अब आप ये देखो यहां से इतना घूम के जाने से अच्छा है कि शॉर्टेस्ट रूट है ये फॉलो करता है यूरोप में भी चला जाएगा और यहां से यूरोप होते हुए सदन अमेरिका यहां भी आ जाएगा तो एक मैप में आप एक पिक्चर थ्योरी बना लो तो लॉन्ग टर्म तक आप इसको रिटेन रख पाओगे मैगअप करने की जरूरत नहीं है बट रिटेन रखने के लिए मैप गो फॉर द मैप तो इसीलिए मैप के साथ इसको जब भी आप पढ़ो मैप के साथ पढ़ो ठीक है सो तो ये यूरोप एंड एशिया विदाउट ये हो गया तो जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है तो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न इजिप्ट में स्पेनिश इथमस ऑफ स्वेज में है एसप्रॉक्सीमेट इट्स 120 ट्वेंटी माइल्स है ठीक है सेपरेट इन अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है फ्रॉम द सिनाई पेनासुला सिनाई पेनासुला अभी मैंने आपको बताया यहां पे ये सिनाई पेनेसुला था और अफ्रीकन इन दोनों को ये क्या करता है सेपरेट करता है ठीक है चलिए ध्यान से देखते जाना अब क्वेश्चन पूछूंगा फिर तो इसका हिस्ट्री क्या है व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ स्वेज कैनाल तो ऑफ जो स्वेज है डेटेड बैक एंड एंशिय टाइम में था इसका सिग्निफिकेंट बट अभी सेंचुरी में थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंट थोड़ा अब ज्यादा बढ़ गया है ठीक है ओपन हुआ था ये इंटरनेशनल नेविगेशन था ये 1869 में हुआ था बट 1869 में हुआ था लेकिन बट इसके फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इन दोनों ने क्या किया इन दोनों का का जॉइंट वेंचर था कहां पे इजिप्ट में ठीक है आफ्टर द कैनाल वॉज ब्रिटिश जो अंडर ये अंटिल रहा 1956 तक उनके कंट्रोल में रहा ठीक है अब इस टाइम पीरियड तक इजिप्ट पार्ट ऑफ इसको वहां भी देख सकते वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देख सकते हैं इट इज जीएस पार्ट आल्सो जीएस में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ना है तो वहां हम इसको देख सकते हैं ठीक है सो इट वाज इंटरनेशनल जो नेविगेशन है इन 1957 अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्वेज कैनाल अथॉरिटी उसके बाद से ये अथॉरिटी ही है जो इसको मैनेज करती है ठीक है चलो तो इंपॉर्टेंस क्या है तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा क्रिप्सी टाइप्स नोट्स तो है ये क्रिप्सी करके दिया है बट इसमें और की गुंजाइश है तो आप इसको और क्रिप्सी कर सकते हो वो वर्ड में आपको राउंड कर दे रहा हूं आप उसको देखो जब भी नोट्स को, को अपना आ, आ, नोट मेकिंग के प्रोसेस में रहो तो बहुत ही क्रिप्सी बनाओ ठीक है क्योंकि एग्जामिनेशन में के टाइम में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन उसको रिविजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस ऐसे ही फिर बुस्टअप भी होगा ठीक है तो इंटरनेशनल ट्रेड में इसका सिग्निफिकेंट रोल है वो क्या है ग्लोबल ट्रेड में ये 12 परसेंट वर्ल्ड ट्रेड का इसका पार्ट ये जो है शेयर है 7 परसेंट जो है ये ऑयल में एंड थर्टी परसेंट कंटेनरशिप में ये पार्टिसिपेट करता है ठीक है डायरेक्ट रूट भी है बिटवीन द यूरोप एंड एशिया एशिया में जाने के लिए और यूरोप में जाने के लिए एक डायरेक्ट पासिस है इट्स ये प्रोवाइड करता है फ्यूल कॉस्ट एंड ट्रांस जो ट्रांसपोर्टेशन है एक्सपेंसेस ठीक है फैसिलिटी चीपर देन इंटरनेशनल ट्रेड तो ये थोड़ा चीपर भी पड़ता है ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया चलो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैनाल प्लेज द क्रूशियल रोल ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बंस फ्रॉम कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इस ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेता है ठीक है इजिप्ट का इकोनॉमी में अगर इसका हम कंट्रीब्यूशन देखें तो दो परसेंट टू परसेंट इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है 22 में 8 बिलियन का हुआ ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट सिग्निफिकेंट है तो एक आप ऐसे मान के चलो कि 2% परसेंट तो इसके जीडीपी में केवल इसका ट्रांसपोर्टेशन जो ये है रेवेन्यू जनरेट हो जाता है ठीक है चलो अब हम इसको पढ़ कितना क्यों रहे इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि इंडिया के लिए जब तक इंडिया के पर्स्पेक्टिव से जब तक ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा तब तक आप बहुत ज़्यादा आप इसको क्यों पढ़ोगे है ना चलो तो इंडिया ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए क्यों है इंडियन ट्रेड भी हो रहा है 200 बिलियन डॉलर का फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड यूरोप के लिए इसी रूट का काम इस्तेमाल कर लेते हैं इंडिया करता है ठीक है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए ऑफ एथेन इथेन के लिए जो इथेन है वो हम यूएस को सप्लाई कर देते हैं इसी रूट से और इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम लैटिन अमेरिका से क्रूड ऑयल ठीक है एंड क्रूड जो है वो इंपोर्ट करते हैं लैटिन अमेरिका से यूएस को हम क्या इंपोर्ट कर देते हैं इथेन सी एच फोर ठीक है इट इनेबल्स इंडियन नेवी के लिए भी इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल नेवल जो ऑपरेशन है ये सब इसके सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इज क्लियर सो अब एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मैं भी आंसर नहीं दे रहा हूं आंसर आपने देना है ठीक है तो चलो इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं और कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा राइट आंसर हियर आर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दान इज करेक्ट यूपीएससी ऐसे ही पूछ रहा है मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस 40 30 35 क्वेश्चंस हुए वो ऐसे पूछता है तो चलो इसको एक बार देख लो और कमेंट करके मुझे बताना ठीक so, है चलो सो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है एजीएस के फॉर बिगनर्स के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं लाइव हाइब्रिड मोड में हैं प्री एंड मेंस के लिए सीसेट के लिए वन ईयर टू ईयर 3 इयर्स के लिए है जीएस मेंटरिंग कोर्स है प्रीलिम्स का मेंस के लिए 2023 के लिए जिसमें मैं शामिल हूँ मेरे मैं ही इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ तो आप इससे जुड़ सकते हैं और मैं आपको यहीं मिलूँगा ठीक है एनसीईआरटी कोर्सेज भी हैं सो तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं फॉर दिस नंबर ओके 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 गाइज थैंक यू